गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में हमने समझा व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट चार्जेस ऑन योर म्यूचुअल फंड रिटर्न्स। आज हम जानेंगे कौन से ऐसे डिफरेंट चार्जेस हैं, कॉमन चार्जेस हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स में आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो कॉमन चार्ज आपको लगता है वो है इनिशियल लोड, इसे या फिर हम कहते हैं फ्रंट लोड, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको कमीशन के तौर पर देना है। दूसरा जो चार्ज आपको लगता है वो है मैनेजमेंट फीस। जब आप म्यूचुअल फंड मैनेज हो रहा है इन द ड्यूरेशन ऑफ योर म्यूचुअल फंड, उसका फीस रहता है, उसी में काफ़ी सारे फीस आते हैं, कस्टोडियन फीस, शेयर होल्डिंग फीस, शेयर होल्डर्स रिपोर्टिंग फीस, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फीस, ऐसे काफ़ी सारे चार्जेस रहते हैं जो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी अप्लाई करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। और एंड में आता है आपका डिफर्ड लोन। डिफर्ड लोन यानी कि जब आप रिडीम करते हो उस समय भी आपको एक पर्टिकुलर चार्ज देना है अपने म्यूचुअल फंड कंपनी को। मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ऐसे म्यूचुअल फंड को प्रीफर करते हैं जिसके चार्जेस कम हैं, लेकिन ये करने के चक्कर में वो ये नहीं देखते कि उन चार्जेस कम है लेकिन वो रिटर्न्स कितना दे रहा है। कई बार हम देखते हैं इन्वेस्टर्स को लगता है जो म्यूचुअल फंड्स हाई चार्जेस ले रही है उसका मतलब ये है कि उसका परफॉर्मेंस इतना नहीं होगा या वो प्रीफर नहीं करते ऐसे म्यूचुअल फंड्स को। लेकिन जो कंपनी ज़्यादा जो चार्जेस लेती है, हाई परसेंटेज में चार्जेस लेती है, उसका आपको रिटेल जो रिटर्न्स है वो उसको एनालिसिस करना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करना है। जब एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी चार्जेस ज़्यादा ले रही है उसका मतलब वो कुछ ज़्यादा आपको रिटर्न देगी, इंडेक्स को बीट करके आपको रिटर्न देगी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि चार्जेस ज़्यादा उसका मतलब ये नहीं कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी में डायरेक्टली पहले ही आपको क्रॉस मार्क करना है। आपको पहले एनालिसिस करना है, ये देखना है उसके पिछले 5 साल का एनएवी क्या है, कितना रिटर्न दे चुकी ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। थैंक यू।